नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में हम मुख्य द्वार जो है, अगर वो अशुभ पद के अंदर है तो वो जो द्वार है उसके बुरे प्रभाव को आप कैसे दूर करेंगे या कैसे दूर कर सकते हैं, और आप नेगेटिविटी कम करके थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिए, हम सब जानते हैं, मैंने जो मेरे पिछले वीडियो थे उसमें बताया था कि यहाँ से लेके ये जो दक्षिण का द्वार है यम का, यहाँ से लेके ये जो भी द्वार है वो साउथ वेस्ट के गिने जाएंगे और ये सबसे ज़्यादा नकारात्मक फल देते हैं। तो देखिए, ये साउथ का सेंटर है तो यहाँ ये द्वार ये यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो द्वार है वो बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। और जब ये आपके घर के अंदर हो या फिर आपकी ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो या कहीं पे भी जहाँ पे आप काम कर रहे हो या आप रह रहे हो, अगर यहाँ पे ये द्वार होगा तो उसका बुरा प्रभाव जो है वो आपको मिलेगा। हो सकता है कई बार वो बुरा प्रभाव मिलने में 3 साल लग सकते हैं, 5 साल, 7 साल, 11 साल, 14 साल, 17 साल, ऐसा टाइमिंग लग सकता है, वो अलग बात है, लेकिन बुरा प्रभाव मिलेगा ये तय है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि मुख्य द्वार जो है वो हमें ब्रह्मांड के साथ जुड़ता है, यानी आपका मुख्य द्वार जो है वहां से आप जब बाहर निकलते हो तो आप ब्रह्मांड के साथ अटैच होते हो। तो आप कौन से द्वार से ब्रह्मांड के साथ अटैच होते हो वो अच्छा या बुरा प्रभाव, वो पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी आपके साथ हमेशा रहेगी, आपके साथ चलेगी। तो जो द्वार है उसका जो मुख्य कारण या मुख्य फल ये है कि वो आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है, और अगर आप पॉजिटिव यानी शुभ द्वार से ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हैं तो उसकी शुभ ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपके साथ चलती है, आपको दिशा बताती है। तो अगर ये नेगेटिव द्वार है यानी आपका द्वार नकारात्मक पद में है, जो मैंने आगे के वीडियो में 1 से 32 पदों का बताया था, तो उसका जो मैंने निवेद बताया था वो तो आप कर ही सकते हो, लेकिन आज मैं और 1-2 उपाय आपको बताना चाहता हूँ। ये उपाय करने से आप इसकी जो नेगेटिविटी है वो कम कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप 100% इसकी नेगेटिविटी इससे कम हो जाएगी, लेकिन 20-30-40-50% भी अगर नेगेटिविटी कम हुई तो ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जब नकारात्मक प्रभाव कम होता है तभी इंसान कुछ पॉजिटिव थॉट लेके आगे बढ़ सकता है। तो ये मेरा एक प्रयत्न है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर यहाँ पे से कहीं भी द्वार है तो उसके लिए एक जो साइंटिफिक एक उपाय है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो मुख्य द्वार है उसके सामने आपको इस तरह से एक पार्टीशन करके एक मिरर लगाना है, और वो मिरर इस तरह से होना चाहिए कि अगर आप बाहर से देखें तो आपका पूरा जो है बॉडी उसमें दिखना चाहिए। देखिए, ये मुख्य द्वार है और उसके सामने एक पार्टीशन किया है और वहाँ पे एक मिरर लगाया है, तो ये करने से ये नेगेटिव जो प्रभाव है वो कम होगा। ये जो मकान है उसका साउथ का डोर है, दक्षिण का यम पद में जो नेगेटिव रिजल्ट देता ही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये मुख्य द्वार के सामने एक पार्टीशन बनाया और वहां पे एक लुकिंग मिरर लगाया है। किस तरह से लगाएंगे आप, तो इस तरह से आपको लगाना होगा। इससे क्या होगा, तो इससे एक बात ये बनेगी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा यहाँ से एंट्री ले रही है वो ये जो पार्टीशन है उस पे जो ये मिरर लगा है, लुकिंग मिरर, वहां पे वो ये नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पे ये मिरर पे टकराएगी और फिर वहां से वो वापस चली आएगी, बाउंस बैक उसका होगा, यानी यहाँ से नेगेटिव ऊर्जा जो है वो घर में जाने की बजाय रिफ्लेक्ट होके वापस बाहर आ जाएगी। तो देखिए, ये उपाय जो है वो साइंटिफिक है। तो अगर आपका जो द्वार है वो नेगेटिव है, आपको बुरा प्रभाव मिल रहा है, तो आपका ये जो मेन डोर है उसके सामने आप इस तरह से पार्टीशन बना के लुकिंग मिरर रख सकते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने यहाँ पे पार्टीशन बनाया है तो ये एक बम्प की तरह काम करेगा, जैसे भी
जैसे कोई गाड़ी बहुत ही तेज जा रही है, लेकिन अगर उसके सामने बम्प आएगा तो उसको धीमी धीमी करनी होगी। तो उसी तरह से ये नकारात्मक जो ऊर्जा है उसकी तीव्रता, उसकी स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप नेगेटिव रिजल्ट से, अशुभ असर से बच सकते हो। साथ में और एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी कोई नकारात्मक द्वार होता है तो वहां पे जो ड्राइंग रूम होता है, ये ड्राइंग रूम है, तो यहाँ से जो पवन आएगा वो बहुत ही तेज आएगा। यानी समझिए कि अगर आपके जो फैन है वो चालू भी ऑन नहीं करेंगे, फिर भी यहाँ पे पवन जो है उसका प्रभाव बना रहेगा। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि भी चलो बहुत ही बढ़िया है, बिना पंखे के भी हवा आ रही है। तो यहाँ पे पवन का, हवा का तेज बहाव जो है वो बना रहता है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वहाँ पे नैऋत्य का पवन चलते हैं, मौसमी पवन। तो यहाँ पे पवन तेज रहेगा, इसकी वजह से क्या होगा, मेन डोर जो रहेगा आपका वो बार बार जो है दीवार के साथ टकराता रहेगा वास्तु में। और एक रूल्स है, अगर आपका जो मुख्य द्वार है वो दीवार के साथ ज्यादा टकराता है तो घर में झगड़ा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बने रहते हैं, संबंधों में भी थोड़ा प्रॉब्लम बना रहता है। तो ये ध्यान रखें, जब भी नेगेटिव द्वार हो तो हो सके अब आपका जो द्वार है बार बार दीवार के साथ वो टकराना नहीं चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब जो है कि मुख्य द्वार जो है अगर नेगेटिव है तो उसके सामने एक पार्टीशन बनाए, यहाँ पे लुकिंग मिरर रखे ताकि पूरा जो है आपका जो जो बॉडी है उसमें दिखाई दे, और ये आपको नेगेटिविटी कम करेगा। ऐसा नहीं कहता हूँ कि पॉजिटिविटी बढ़ेगा, लेकिन आपकी नेगेटिविटी जो है मुख्य द्वार की, अशुभ असर जो है वो कम करेगा। और एक उपाय बताना चाहता हूँ, ये जो मुख्य द्वार है उसके सामने आप जो पार्टीशन बना रहे हो वहां पे एक लाल लाल मुंह वाला जो बंदर है उसका कोई स्टैचू या फोटोग्राफ्स अगर रखते हो तो भी ये नेगेटिविटी कम होगी। ये एक लाल किताब का उपाय है। तो ये जो पार्टीशन बनाते हो आप, वहां पे एक लाल मुंह वाले बंदर की फोटो या स्टैचू आप रख सकते हो। और एक मैं उपाय बताना चाहता हूँ, अगर इस तरह का आपका नेगेटिव द्वार है तो आप मुख्य द्वार जो है उसके सामने जो पार्टीशन आपने बनाया वहां पे ये एक फोटो है हनुमान जी की, जो कि गुजरात में है, सारंगपुर करके जगह है, वहां के हनुमान जी है। तो ये फोटो, ये जो हनुमान जी है उनकी पॉजिटिविटी बहुत ही बढ़िया है। और समझिए अगर आप ये इनका स्थापन करते हो, इनकी फोटो अगर आप वहां पे लगाते हो तो भी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो वापस चले जाएगी, उसकी जो अशुभ असर जो है वो कम हो जाएगी। तो ये दो तीन, ये जो उपाय है वो माइथोलॉजिकल है, आगे का उपाय जो मैंने बताया आपको वो साइंटिफिक भी था। तो आप समझ सकते हो कि ये दो तीन उपाय आप करिए ताकि आपका जो नेगेटिव द्वार है वो आपको कम से कम इफेक्ट दे। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये उपाय आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे द्वार है तभी करेंगे, यानी दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम में, और कोई भी जगह पे अगर द्वार है तो यहाँ पे ये उपाय न करें। उसका एक रीजन बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे द्वार है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब भी आप मिरर लगाते हो मेन डोर के सामने तो यहाँ से यूं देखें तो ये नॉर्थ एक्सटेंड होता है वर्चुअली, और यहाँ पे अगर द्वार लगाते हो तो वो ईस्ट एक्सटेंड होता है। हमेशा मिरर जो है वो या तो नॉर्थ या ईस्ट की दीवार पे लगाना चाहिए, ये भी एक रूल्स है। इसीलिए अगर यहाँ पे द्वार है पश्चिम, नैऋत्य और दक्षिण के बीच में कहीं पे भी, तभी आप ये उपाय जो है कर सकते हो, और कोई भी द्वार पे ये उपाय न करे, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो है बंदर की बात बताई वो भी आप उपाय कर सकते हो, सहारनपुर के जो हनुमान जी है उनकी जो फोटो है वो आपको गूगल पे से मिल जाएगी, वो भी आप लगा सकते हो। और भी कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में चिंतित है, जानना चाहते हैं, आप वास्तु के बारे में कोई भी सलाह मशवरा चाहते हैं, कंसल्ट करवाना चाहते हैं, लेआउट अगर आप बना रहे हो, कोई मकान बना रहे हो तो लेआउट पे आप अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। हमारा नाम है दिलावर सिंह वाघेला, कॉन्टैक्ट नंबर है 0971218080। आप हमें मेल कर सकते हो info@astroalchemist.com। आशा रखता हूँ ये वीडियो जो है आपको कुछ ना कुछ मदद करेगा, और आपकी जो भी बुरे प्रभाव है वास्तु के,
आप कम करें, ऐसी आशा के साथ यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।